कि चूंकि नौरोज का कोई ताल्लुक शिर्क और कुफर से नहीं था, यह कल्चरल ईद थी और हर वो इलाका। मैं कहां चला गया, वक्त तो वैसे ही कम है, आज दुआए कुमैल की वजह से हम 15 मिनट ताखिर से अपना बयान शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक बात कि नौरोज इस्लामी ईद नहीं, लेकिन जो इस्लामी ईद न हो उस पर इस्लाम ने रिस्ट्रिक्शन भी नहीं डाला, जब तक कि उसके अंदर कोई ऐसी बात ना आ जाए जो आदमी को शिर्क की जानिब ले जाए, जो आदमी को वाजिबात छोड़ने की जानिब ले जाए, जो आदमी को हराम की जानिब। तो खैर, एक इजाजत दी, जिन जिन इलाकों में इसका रवाज है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हर वो इलाका जो एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड रखता, स्प्रिंग का आगाज होता, फसलें पैदा पकने के वक्त शुरू होते हैं, गर्ज ये छोड़िए, लेकिन इसमें तीन चार चीजें इस्लामी। नंबर एक, नौरोज का गुस्ल। नंबर दो, नौरोज की नमाज। नंबर तीन, नौरोज का रोजा। और सबसे अहम, नौरोज की दुआ। दुआ का मतलब यह है कि जो एग्जैक्ट टाइम दुआ का बताया जाता, दुआ के अंदर भी एग्जैक्ट टाइम की बड़ी वैल्यू है। शबे कदर, सूरज डूबा और अगले दिन फजर की अजान तक शबे कदर है। अगर आप सोकर 10 मिनट बाद उठे और फिर आपने दुआ मांगी, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। नौरोज का एक वक्त होता है, वक्त तहवील। और ये वो वक्त है कि जब ये सारी दुनिया का निजाम चेंज हो रहा होता। हमारे यहां ज्यादातर लोग उस वक्त पानी में गुलाब का फूल रखकर ये चेक करते हैं कि वो किस सेकंड पे घूम रहा। वो इसके लिए नहीं है नौरोज। नौरोज इसलिए कि जब एग्जैक्ट वो टाइम आ रहा है तो उस वक्त इंसान की जबान पे जो दुआ होगी, अल्लाह उस दुआ को फौरन कबूल करता है। स्पेशली अगर वो दुआ कन्वर्जन या चेंज के बारे में हो, दुआ का तर्जमा भी यही, या मुदब्बिर अल-क़ुलूब, या मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब वल-अबसार, या मुदब्बिर अल-लैल वन-नहार, या मुहव्विल अल-हाल वल-अहवाल, अहसन हाली इला अहसनिल हाल, हव्विल हाली इला अहसनिल हाल। ऐ दिलों और आंखों को बदलने वाले, ऐ दिन और रात के निजाम को कायम करने वाले, ऐ लोगों की हालत को चेंज करने वाले, इस वक्त, इस सेकेंड, सेकेंड भी शायद बड़ा लफ्ज हो, तो माइक्रो सेकेंड हो, कहां तक लोग पहुंच गए, इस वक्त हम विल हाली इला सनिल हाल, मेरी हालत को बेहतरीन हालत में बदल। उस टाइम पर अगर ये दुआ आपने मांगी और आपके जहन में यह है कि हालत बदलने से आपकी क्या मुराद, फौरन वो क्लिक होगी और दुआ कबूल होगी। बीमार है, उसको सेहत चाहिए। बेरोजगार है, उसे कोई अच्छा रोजगार या जॉब वाला है लेकिन उससे बेहतर जॉब चाहिए। स्टूडेंट है, उसे इम्तिहान में कामयाबी चाहिए। कोई बगैर वीजे वाला है, उसको मसलन वीजा या राइट चाहिए। अगर किसी की औलाद सीधे रास्ते से हटके इधर उधर जा रही और उसे उसकी हालत को चेंज कराना, गर्ज यह कि लफ्ज इतना बड़ा है कि अगर एग्जाम्पल देता रहा तो घंटा इसमें गुजर जाएगा। सिर्फ ये याद दिलाना कि वो टाइम, उसकी बड़ी अहमियत। जैसे हजरत खिजर के हवाले से एक रिवायत हमारी किताबों में है, हजरत खिजर उन चार अंबिया में से एक हैं जो स्टिल जिंदा भी हैं, और उनकी जिंदगी का एक पर्पज ये बताया गया कि उन्हें आकर जमाने के इमाम की आर्मी को ज्वाइन करना। तो हमारा और हजरत खिजर का एक बड़ा गहरा रिलेशन है। हम और हजरत खिजर एक ही आर्मी का पार्ट बनने वाले हैं, वो अब तक जिंदा है हजरत खिजर। लेकिन हजरत खिजर की विलादत के हवाले से यही पैगाम बहुत डिटेल से आया, लेकिन मैं इसको बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। और वो ये कि हजरत खिजर के वालिद अपने जमाने के एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर कहिए, नजूमी कहिए, ज्योतिषी का लफ्ज अगर के बुरा तो नहीं है लेकिन हिंदी जबान का लफ्ज है तो अच्छा भी नहीं है। गर्ज ये कि सितारों के इल्म की मदद से गैब की बहुत सी बातें जानते थे। अब यहां पे छोटा सा जुमला मैं कह दूं, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, आज वो हालत नहीं है जो कल है, इसलिए मैं 45 और 50 मिनट के बीच में तकरीर करूंगा। और वो ये छोटा सा जुमला कभी मौका मिला तो इसकी वजाहत। इमाम फरमाते हैं कि पहले परवरदिगार ने सितारों का इल्म, स्टार्स, ये जो है ना बिल्कुल एक परफेक्ट इल्म बना के दुनिया वालों को दिया। ड्यू टू द दुआ ऑफ हजरत मूसा, अल्लाह ने ये इल्म जो था वापस लिया। अब इतना, अब परफेक्ट नहीं, अब 50-50। गर्ज ये कि ये एक अलग टॉपिक है कि इस्लाम में इस किस्म की जितनी साइंसेज हैं, हाथ को देखना, सितारों को देखना, इनका क्या स्टेटस है। हजरत आयतुल्ला सिस्तानी की एक ऐसी बुक जो खास आपके लिए लिखी गई, बाकी तो जितनी बुक है वो सारे मोमिनों के लिए होती, लेकिन ये बुक तो खास आपके लिए लिखी गई, अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम्स इन द वेस्ट, उसका लास्ट चैप्टर।
जिसमें मिस्केलियंस मसाइल है उसमें ये सारे मसाइल, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, रूहों को पकड़ना, जिनों को अपना दोस्त बनाना, ये हाथ की लकीरें, ये सितारों का इल्म, गर्ज ये कि इसको पढ़ लीजिएगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, अगर कि ये आज के माहौल में एक इंटरेस्टिंग बहस है लेकिन टाइम। हजरत खिजर के वालिद उस जमाने में थे कि जब सितारों के इल्म में स्टिल परफेक्शन बाकी था चुनाचे, और वो 24 घंटे में से 18 घंटे इसी काम में लगे रहते थे। आदमी को जिस चीज का शौक हो जाए फिर उसके बाद खाना पीना आराम सब छोड़ देता। गर्जी ये भी एक किस्म की साइंस है, जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमने खाना खाया भी है कि नहीं खाया। एक दिन उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि कल रात को, कोई जरा बड़ा ऑकवर्ड सा टाइम था, मतलब रात के 2:30 बजे या 3 बजे, उस जमाने में जब ईशा के बाद तो शहरों में कब्रिस्तान का सन्नाटा होता था, फजर के करीब लोग उठते थे, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, एक बहुत ही ऑकवर्ड सा टाइम था। का ये टाइम ऐसा कि इस यूनिवर्स के दो बड़े सितारे इस तरह एक दूसरे की लाइन में आ रहे हैं, ये मैं बहुत ही इसको जल्दी जल्दी इस बात को मुकम्मल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। इस वक्त अगर शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब आए तो जो बच्चा पैदा होगा वो इस पूरी दुनिया का बादशाह बनेगा। हर बाप हर मां की औलाद कि उसका बेटा उसकी बेटी उससे ज्यादा तरक्की कर, कहा ये टाइम मेरी कैलकुलेशन ने बताया लेकिन मैं इतना बिजी हूं अपने काम, इतना शौक कि मैं तो भूल जाऊंगा, तुम याद रखना। खैर बीवी ने कहा। अब हुआ ये कि इनका बिल्कुल जो पड़ोस है नेबर्स दीवार मिले हुए, वहां पर भी एक औरत थी जो ये जुमला सुन रही थी। ये वाकया है जिसको अरबी में मखदूनिया और अंग्रेजी में गालिबन आजकल मैसेडूनिया कहते हैं, यूनान की एक छोटी सी रियासत का। हजरत खिजर की वालिदा तो नींद आ गई, मैंने कहा बड़ा ऑकवर्ड टाइम था, उस वक्त जागने के लिए बहुत अपने आप में कंट्रोल करना पड़ता है, नींद आ गई, वो सो गई। लेकिन बराबर वाली औरत ने भी ये जुमला सुना था और उसने अपने शौहर को प्रिपेयर किया था। चुनाचे वो जो टाइम आया उस वक्त हजरत खिजर के वालिद तो अपने रिसर्च में लगे हैं, वालिदा एक लम्हे के लिए सो रही, बराबर के घर में इंतजाम हो गया। अब थोड़ी देर के बाद जब हजरत खिजर की वालिदा की आंख खोली, वो तैयार तो थी पूरी रात, आंख लग गई, ओहो ये 2:44 का टाइम था, घड़ी तो बता रही है 2:50 हो गए, वो टाइम तो निकल गया। शौहर के पास आई, बड़ी अफसोस करती, शौहर ने भी कहा ये कहीं 500 साल में एक मरतबा ऐसा मौका आता, अब तो गया, मिस हो गया तो मिस हो गया, लेकिन हां अभी एक घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद 3:17 पे मसलन दोबारा एक ऐसा टाइम आने वाला जब दो ऐसे सितारे एक लाइन में आ रहे हैं, जो बादशाह तो नहीं बनता लेकिन वो आदमी इल्म के एतबार से इस दुनिया का बादशाह होता। वो थी दुनियावी यानी पॉलिटिकली दुनिया की बादशाहत, ये थी नॉलेज की दुनिया की बादशाहत, वो हमने मिस कर दिया तो चलो इसी को गेन करें। चुनाचे उस रात को मैसेडोनिया या मकदूनिया रियासत के दो बराबर के घर में शौहर और बीवी के नतीजे में दो ऐसे बच्चे पैदा हुए कि बराबर वाले यहां के यहां सिकंदर पैदा हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में कहा जाता कि वो दुनिया के चार आदमियों में एक था जिसे अल्लाह ने सारी दुनिया की बादशाहत दी थी, और इस घर में हजरत खिजर पैदा हुए जिनके बारे में कहा जाता कि इतना परफेक्ट उनका इल्म था कि और तो और हजरत मूसा जैसे अजीम नबी को जो नबूवत की लाइनेज में थर्ड नंबर पर आते हैं, अफजल तरीन हमारे नबी हैं, फिर हजरत इब्राहिम है, थर्ड स्टेटस मूसा और ईसा का बराबर है। हजरत मूसा जैसे नबी को हजरत खिजर की शागिर्दी का ऑर्डर इस्लाम ने दिया, और उस वाकये में भी बहुत सारे पैगाम है। हजरत खिजर इतने बड़े आलिम कि अपने जमाने के साहिब शरीयत और साहिब किताब नबी को, और किताब भी ऐसी कि आज भी तौरात उसकी अपनी एक हैसियत है, उसका अपना एक स्टेटस है, तौरात जैसी किताब जिस नबी में आई उनसे भी कहा हजरत खिजर के शागिर्दी अख्तियार करो। तो ये टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है, और जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था ये हर दुआ के लिए उसूल, जो दुआ का टाइम बताया जाए जिसमें आज की रात शबे जुमा भी शामिल है। लेकिन ये नौरोज के हवाले से मैं बात कह रहा हूं कि साल में एक मौका ऐसा आता जब अल्लाह
या मुकल्लब القلوب والابصار से लेके आखिरी दुआ आखिर हवल हाली इला अहसनिल हाल, आप अल्लाह से कहते हैं ऐ अल्लाह मेरी हालत को बेहतरीन हालत में बदल दे। वो जो टाइम होता है मिनट नहीं सेकंड, जैसे 0007 GMT साल का टाइम था, जस्ट जैसे 21 मार्च दुनिया के अक्सर इलाकों में शुरू हुई, और आप कहें तो 20 मार्च ही की ईशा के बाद वो टाइम आया होगा जिसने मिस कर दिया। साल भर अगर वो परेशान रह रहा, न किसी मौलवी को ब्लेम करे कि दुआ नहीं बताते, ना परवरदिगार आलम को ब्लेम करे कि मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा, उसने दुआ का ये टाइम भी रखा। और एक बात यहां पे और कह दूं कि क्यों ये किसी रिवायत में नहीं है, फिर भी हमारे उलमा रिकमेंड करते कि ये दुआ वंस नहीं 360 टाइम पढ़ी जाए, जिसके दो रीजन बताए जाते हैं। नंबर एक, एक साल में बल्कि 366 टाइम्स, कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 366 डेज होते हैं, इतनी मरतबा ये दुआ पढ़ो ताकि हर दिन के लिए गोया ये दुआ बन जाए। लेकिन मेन रीजन इसके अलावा वो ये कि एग्जैक्ट जो टाइम, थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन एरर का मार्जिन रखी, हो सकता है 2 मिनट पहले हो 2 मिनट बाद, और दूसरा इसके अंदर घड़ी की गलतियों का मार्जिन रखी। इस वक्त जितनी घड़ियां यहां क्लॉक लगे हैं और घड़ियां आपने बांधी, हर एक का दूसरे से मिनट 2 मिनट 3 मिनट का यकीनन फर्क होगा। तो 360 मरतबा या 366 टाइम ये दुआ इस तरह पढ़ी जाए कि जो टाइम बताया गया उससे पहले शुरू करो, उसी में टाइम आए उसके बाद तक पढ़ते रहो। जो एग्जैक्ट टाइम था उस वक्त एक बार भी तुम्हारी जबान पर अगर ये दुआ हो, हम विल हाली इला आसनिल हाल, वो इस तरह यूनिवर्स के सिस्टम से क्लिक करेगी कि हर दुआ न सिर्फ ये के कबूल होगी बल्कि मेडिकल के अंदाज में कबूल होगी। ऐसे ऐसे बेनिफिट मैंने नौरोज के हवाले से देखे। लेकिन ये नौरोज तो अब 363 डेज अभी एडवांस में बाकी हैं। हमारे जैजी साहब भी 2 दिन 4 दिन से ज्यादा का एडवांस प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, लेकिन बात जहन में रहे, कान पड़ी आवाज कभी काम आ जाती। وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.